नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात हरियाणा की खबरों में गुरुग्राम पे करते हैं, जहां खेड़की दौला टोल आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। गुरुग्राम में खेड़की दौला टोल पिछले कई सालों से लोगों के गले की फांस बन चुका है। आए दिन लोगों से इस टोल पर कोई ना कोई विवाद एक बड़े रूप को चेतावनी दे रहा है। गुरुग्राम शहर में ना जाने कितनी सामाजिक संस्थाओं ने इसे खेड़की दौला टोल हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, लेकिन इस टोल को सरकार ने हटाने के लिए कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक इस टोल को बनाने में सरकार के 665 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिससे सरकार ने अब तक टोल वसूली में 1765 करोड़ रुपए वसूल भी कर चुकी है। सरकार और NHAI मिलकर जनता से टोल वसूल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में जनता सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि इस टोल को यहां से हटाया जाए। गुरुग्राम में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक संस्थाओं ने इस टोल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की चेतावनी भी दी है। टोल बता रहा है कि ये 555 करोड़ का इकरार हुआ था बनाने के लिए, उसके बाद इसमें बढ़ते बढ़ते 665 करोड़ रुपए लगे जब ये बना। अब आज फरीदाबाद की, जहां बिजली विभाग ने अपना ऑफिस तो चेंज कर लिया, लेकिन पुरानी इमारत में ही अपने सारे पुराने रिकॉर्ड छोड़कर चले आई, जिसके बाद ये खबर मीडिया में आने के बाद अब बिजली कर्मचारी उन सभी रिकॉर्ड को लेने के लिए अपने पुराने ऑफिस पहुंचे। मीडिया में बिजली बोर्ड के पुराने रिकॉर्ड के खुले में पड़े होने की खबर आने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं जब बिजली विभाग के कर्मचारी पुराने रिकॉर्ड को लेने के लिए पुरानी इमारत में पहुंचे, तो वहां पर पुरानी इमारत के मालिक और बिजली कर्मियों में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि बिजली विभाग ने जिस इमारत में अपना कार्यालय चलाया हुआ था, उसका किराया बाकी था। जब बिजली विभाग से उनके पुराने बिजली कार्यालय इमारत के मालिक ने किराया मांगा, तो भड़क उठे और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इमारत के मालिक के खिलाफ थाना आदर्श नगर में शिकायत दी। पुलिस इस मामले की अभी तक जांच में जुटी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के नेता ने भी कहा है कि उनके कर्मचारियों के साथ झगड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत दी गई है। वहीं लाइनमैन मोनू का कहना है कि उसके पुरानी इमारत के मालिकों ने उस समय झगड़ा कर दिया जब वो पुराना रिकॉर्ड उठाने गए। मैं दफ्तर में आया था 4 बजे। जब मैं दफ्तर में आने बाद मुझे पता लग गया कि मेरे स्टाफ के कर्मचारियों के साथ, दफ्तर के कर्मचारियों के साथ झगड़ा किया है। पुराना जो हमारा दफ्तर था, जिसमें उस के भाई ने, उनके लड़कों ने शरारत, उनके मारपीट की है मेरे कर्मचारियों के साथ। तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने लोगों से वोट अपील की है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने उगलाना के गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को JJP प्रत्याशी अनूप धानक को अपना वोट देने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर सरकार के पिछले 5 सालों के दौरान जो भी फैसले लिए, वे जन विरोधी रहे, जिनका सीधा असर लोगों की जेब और उनकी आजीविका और आमदनी पर पड़ा। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करके खट्टर सरकार लोगों के चालान नहीं बल्कि सीधे रूप से उनकी जेब काट रही है। किसी का भी वाहन यातायात पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो वाहन मालिक को भारी भरकम राशि अदा करके ही मामले से पीछा छुड़ाना पड़ता है। अब प्रदेश के लोगों में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर खासा रोष है। प्रदेश में JJP के सत्ता में आने पर नया मोटर व्हीकल एक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा। जनसंपर्क अभियान चुनाव में वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, और चुनाव प्रचार में अनूप धानक जी के पक्ष में जो माहौल देखने को मिल रहा है, इसे लगता है कि इस बार तो ये पहली से भी दुगनी भीड़ लेकर के उकलाना से जीत करेंगे। तभी लिस्ट नवरात्रि के पहले दिन 29 को जाएगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर तक कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्याशी के जरिए नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की छटनी 5 अक्टूबर को की जाएगी। प्रत्याशी या उसके जरिए लिखित रूप में प्राधिकृत प्रस्तावक अथवा उसके एजेंट के जरिए 7 अक्टूबर को पहले नामांकन वापस लिया जा सकता है। शेष प्रत्याशियों को चुनाव निशान आवंटित किए जाएंगे और 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। जिला रोहतक के 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज नॉमिनेशन फाइल करने के प्रथम दिन
तीन बजे तक कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ और नामांकन 4 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शाइनिंग इंडिया के तहत 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दौड़ कर जाने वाले धावकों को आशीर्वाद देकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शाइनिंग इंडिया के तहत 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 370 घंटे में दौड़ कर जाने वाले धावकों को आशीर्वाद देकर रवाना किया। इस मौके पर विपुल गोयल ने टिकट की दावेदारी को लेकर कहा कि सब पार्टी के हाथ में है, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मंजूर है। आपको बता दें कि विपुल गोयल ने शाइनिंग इंडिया संस्था के तहत कन्याकुमारी से जम्मू के लाल चौक पर दौड़ कर जाने वाले बच्चों को हवा में गुब्बारे छोड़कर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास खुद का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए इंतजार कर रही है कि बीजेपी पहले अपनी टिकट की घोषणा करे, उसके बाद कांग्रेस अपने टिकटों की घोषणा करेगी। कहने को कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और बगैर आलतू फालतू के सिर्फ एक हवा क्रिएट करके इसने चाहे कोई रथ यात्रा निकाल लें, चाहे कोई नया स्लोगन निकाल लें। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, प्रदेश की जनता देख चुकी है कि 5 साल के अंदर हरियाणा को कहां से कहां पहुंचाने का काम माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां फेसबुक पर एक भड़काऊ पोस्ट डालने पर वकील को गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर डाली गई फेक पोस्ट के मामले में बीजेपी आईटी सेल की शिकायत पर पुलिस ने एक वकील को कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वकील पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर फर्जी पोस्ट डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की। फरीदाबाद बीजेपी आईटी सेल की शिकायत पर पुलिस ने वकील को हाजिर होकर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वकील सुरेंद्र पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वकील को गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ आईटी और सोशल मीडिया विभाग भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक हूँ और यहाँ पार्टी का आईटी और सोशल मीडिया का मैं जिम्मेवारी है मेरे पास। शिकायत आपकी तरफ से पुलिस को दी गई और एक वकील को गिरफ्तार किया गया, क्या शिकायत थी? शिकायत भाई साहब ये है कि पहली बात तो इन्होंने जो सुरेंद्र जी हैं जिन्होंने पोस्ट डाली है, इन्होंने एक ऐसी पोस्ट डाली जिस जो एक फेक पोस्ट थी, एक मूवी के सीन को दिखा के इन्होंने ये दिखाया कि भाई जाट आरक्षण के समय 13 साल के बच्चे को गोली मारी गई। तारीख को 25/9 को हमारे पास एक फॉरेस्ट भारद्वाज नाम की व्यक्ति ने एक शिकायत दी थी कि सुरेंद्र शिवास नाम का व्यक्ति है जिसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली है जिसमें लिखा हुआ है कि 13 साल की उम्र में छाती पे दी गोली मार फिर भी कहते हो पिछहत्तर पार, और उसमें एक बच्चे की फोटो को टैग किया हुआ था जिसकी चेस्ट के अंदर गोली लगी हुई है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी स्टार न्यूज़।